दो तो चाय पीने लोगों के कुछ ज्यादा ही आजकल शौकीन है, और सुबह अखबार के चाय अगर साथ चाय मिल जाए तो बात अलग बन जाती है। ऐसे ही भिंड जिले के चाय के शौकीन लोगों के लिए भिंड की एक मशहूर दुकान है जो कि इसका नाम है मिस्टर चाय। इस चाय की दुकान पर 7 तरह की अलग अलग फ्लेवर के तैयार चाय की जाती है जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। यहाँ पर मिस्टर चाय के संचालक आयुष भदौरिया के अनुसार इनकी दुकान पर 7 दिन के लिए 7 चाय तैयार की जाती है जो कि शौकीन लोग अलग अलग तरह की यहाँ की चाय पीते हैं। अगर चाय की बात करें तो यहाँ अदरक वाली चाय, मसाला चाय, इलायची चाय, चॉकलेट चाय, रोज़ चाय, पान चाय, केसर चाय जैसे 7 फ्लेवर यहाँ हर रोज़ तैयार किए जाते हैं। मिस्टर चाय की दुकान पर सुबह सुबह ही लोग अलग अलग फ्लेवर की चाय पीने के लिए यहाँ दीवानगी देखी जा सकती है। दोस्तों मिस्टर चाय की दुकान पर शाम होते ही यहाँ आपको काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। आइए जानते हैं मिस्टर चाय के दुकान के संचालक से क्या इसमें ऐसा आपने दिया है स्वाद जो कि भिंड के लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने 7 डे 7 टेस्ट का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि हमारा जो भी कस्टमर रहेगा तो उसको हम 7 दिन एक अलग स्वाद दे सकते हैं। मतलब अदरक है, इलायची है, केसर है, पान है, रोज़ है, चॉकलेट है, आपको जो भी जैसे नॉर्मल एक अदरक चाय होता है तो उसको अपन पी रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आज हमें कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ नया टेस्ट मिलना चाहिए तो आप हमारे यहाँ आके 7 दिन 7 तरीके की चाय पी सकते हैं। कौन कौन से मतलब चाय देते हैं इसमें 7 दिन 7 स्वाद चाय के बारे में आपने बताया? मतलब 7 फ्लेवर्स है हमारे पास। अदरक की चाय है, इलायची की चाय है, केसर चाय है, चॉकलेट चाय है, मसाला चाय है, और इस तरीके से 7 चाय है। मसाला चाय क्या मतलब क्या चटपटी रहती है क्या रहती है? उसके इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, तमाम तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हम जो मसाला बनाते हैं उस मसाले से हम जो चाय बनाते हैं तो वो मतलब एक अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो वो अदरक के चाय से मतलब कुछ भी टेस्ट आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये मिस्टर चाय का जो नाम रखा है, जैसे इंदौर में कई दुकान चलती है MBA चाय वाला, ख़राब चाय, आपने मिस्टर चाय का नाम ये टॉपिक क्यों चुना है? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये नाम चुनना एक रैंडम था क्योंकि जब हम इस स्टार्टअप को चालू कर रहे थे तो हमने बहुत सारे नामों की लिस्ट तैयार की। तो एक नाम का इम्पैक्ट होता है, तो हमारी जो टीम थी तो हमने उस इम्पैक्ट के लिए मिस्टर चाय को ही चुना। मिस्टर चाय ए कुल्लड़ फॉर एवरीवन, मतलब ये कुल्लड़ हर किसी के लिए है। तो इसी तरीके से मिस्टर चाय की शुरुआत हुई है। इससे पहले आप क्या काम करते थे? मैंने कॉलेज किया, कॉलेज के बाद मैं प्रिपरेशन में रहा, मैंने MBBS की तैयारी की है, मैं 2 बार मैंने मेंस भी लिखा है। तो जब इस प्रिपरेशन के बाद जब सोचा बिजनेस को लेके तो कुछ स्टार्टअप करना था तो फिर अपने ही शहर में स्टार्ट किया। तो इस तरीके से इसमें और क्या अलग रहता है ऐसा स्वाद है जो चाय आपकी भिंड के लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं? क्या चाय में तो स्वाद है ही, और चाय के साथ साथ हम बहुत सारे फास्ट फूड भी हम लेके आए हैं जो कुछ स्पेशल टेस्ट भी हैं। जैसे हमारे यहाँ अल्टीमेट पेटीज़ है, जिंगी पाई है, अल्टीमेट बन है, तो कई तरीके के डिशेस भी ऐसी आई हैं जो हमारे शहर के लिए बहुत नई है। तो इस तरीके से हम एक तरीके से अपने चीज़ को यूनिक बोल सकते हैं कि हम कुछ ऐसा नया कर रहे हैं, शहर के लिए नया टेस्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पान चाय का क्या मतलब, एक पान चाय मतलब क्या, पान के पत्ते डालते हैं? पान के पत्ते भी रहते हैं और पान का एसेंस भी होता है उसमें, तो पान फ्लेवर हम उसमें यूज़ करते हैं जिससे एक अलग ही चाय में स्वाद आता है और वो बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो पान चाय इस तरीके से है और लोग पसंद भी करते हैं। ये पूरे स्टार्टअप करने में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा? इन्वेस्टमेंट का तो ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो कितना भी, लेकिन अभी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो अप्रोक्स हमारा 15-16 के ऊपर पहुँच गया। इसके अलावा और क्या देते हैं लोगों को चाय के बाद? चाय में चाय के बाद बहुत सारे स्नैक्स हमारे नहीं, केवल चाय की बात करें तो चाय में और क्या इसमें फ्लेवर देते हैं? इसके अलावा कोई नया फ्लेवर देने की तैयारी कर रहे हैं? अभी हमारे पास जो 7 दिन का 7 टेस्ट का हमने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो अभी हम पूरी उसी पे फोकस कर रहे हैं। आगे भी कुछ ना कुछ अपडेट जरूर करें, अपडेट करते रहें। जी जी जी। क्या नाम, क्या लिखते हैं? मेरा नाम आयुष भदौरिया।